सुबह सुबह इतनी भयंकर ठंड है कि मैंने जैकेट भी पहनी है, स्वेटर भी पहनी है और अंदर से इनर भी पहनी है। मतलब यहाँ नीचे सड़क भी सही से नहीं दिखाई दे रही। तो ये जो सुरकंडा माता मंदिर है वो एकदम सामने, उसी के जस्ट सामने ये रिजॉर्ट है। यहाँ से हमारा गांव दिखता है, पूरा नीचे जो घाटियाँ हैं वो सारी दिखती हैं। यहाँ के रूम कुछ ऐसे हैं, सामने आपको ये सीनरी मिल जाएगी। और ये यहाँ के मैनेजर साहब हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरी एक नए वीडियो में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और सुरकंडा माता के इन खूबसूरत वादियों से। और अगर आप अभी का मौसम देखोगे तो आज सुरकंडा माता ही नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि पूरे आसमान में कोहरे कोहरा लगा है, चारों तरफ हल्के फुल्के दिख रहे हैं। और अभी जो हो रही है वो हो रही है बारिश, जिसकी वजह से मैंने उठ रखा है छाता। तो आज ब्लॉग शुरू करने का रीज़न ये था कि आज के दिन में मैं अपने घर में नहीं हूँ, मतलब कहीं जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। उससे पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपियाल गांव, जो पड़ता है उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा ब्लॉक में। तो शुरू करते हैं आज का दिन। अभी सुबह सुबह इतनी भयंकर ठंड है कि मैंने जैकेट भी पहनी है, स्वेटर भी पहनी है और अंदर से इनर भी पहनी है। तो तीन तीन चीज़ें पहनने के बाद भी इतनी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से बहुत ठंड है। बारिश भी साथ में हो ही रही है, और कल तो मौसम ऐसा लग रहा था जैसे नहीं होगी बारिश, लेकिन आज हो गई। तो कोहरा इतना भयंकर लगा है सही में कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहाँ नीचे सड़क भी सही से नहीं दिखाई दे रही। तो निकल चुका हूँ मैं अपने घर से, और अब बता देता हूँ आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ आज अपने बीच वाले गाँव में, मतलब वहाँ पर है एक रिजॉर्ट पीस एंड पीक के नाम से, और वहाँ पे आपको फुल टूर कराने वाला हूँ उसका, क्योंकि आज बारिश का मौसम है और मुझे लग नहीं रहा कि बारिश में कुछ हो पाएगा। मैंने सोचा कुछ यूनिक लाते हैं, सपोज़ आप कभी यहाँ घूमने आते हो तो वहाँ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा सकते हो, होम स्टे टाइप में है, कुछ रिजॉर्ट भी है, तो वो एक रिजॉर्ट और वहाँ का आपको फुल टूर कराएंगे। धीरे धीरे अब मौसम भी लग गया है खुलने, और बारिश तो वैसे की वैसी है, लेकिन अच्छी चीज़ यही कि कोहरा साफ हो गया थोड़ा। सुबह तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हरे भरे खेत और ये हरा भरा वातावरण दिखाई देने लग गया है। तो जिस रिजॉर्ट की मैं बात कर रहा था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, और यह है पीसेट पीक रिजॉर्ट, जो कि चोपड़ा गाँव में पड़ता है। अगर आप यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो। और उससे पहले मैं आपको यहाँ का फुल टूर कराने वाला हूँ, जितने भी आपको पीछे रूम्स वगैरह दिख रहे हैं, जो जो यहाँ पे फैसिलिटी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो ये जो सुरकंडा माता मंदिर है वो एकदम सामने, उसी के जस्ट सामने ये रिजॉर्ट है, और इधर कुछ बाहर से ऐसा दिखता है। अगर आपको नाइट में बॉनफायर या फिर कुछ डांस वांस करना है तो उसके लिए यहाँ पे जगह बना रखी है इन्होंने, उसके साथ साथ यहाँ स्टाफ के लिए। और सबसे पहले ले चलते आपको यहाँ अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हॉल, और उसके साथ साथ ये है रिसेप्शन, और यहाँ पे आप आपस में बातें कर सकते हो। और साथ में वो जस्ट सामने जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है ये है किचन, और ये है यहाँ पर डाइनिंग रूम। और इधर आपको बाहर ले चलते हैं और दिखाते हैं और क्या क्या है। आपको मैं एकदम रियल बताऊँगा, क्योंकि लोग कुछ फिल्टर लगा के बताते कि यहाँ पे ये फैसिलिटी है, लेकिन मैं एकदम रियल बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मतलब फैमिली के साथ छोटे उसमें तो आपने चेस काफ़ी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे बड़े उसमें है तो आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले रूम दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ के रूम है, और इसमें आपको एक डबल बेड मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ना चाहो, साथ में एक छोटी सी आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, मिरर के साथ साथ यहाँ पे अलमारी, और यह है टॉयलेट। तो कुछ ऐसे रूम है यहाँ के, अभी आपको सारे रूम का टूर कराएंगे। तो चलिए ले चलते हैं और यहाँ के स्टाफ से भी मिलाते हैं। ये जो कॉटेज बना है एकदम प्रीमियम लोकेशन पर बना है, आज तो कोहरा है इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे नज़ारे नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन अगर आप जब साफ मौसम रहता है उस टाइम आए तो यहाँ से जो वेदर दिखता है, यहाँ से जो व्यू दिखते हैं और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल के रहते हैं। यहाँ से हमारा गांव दिखता है, पूरा नीचे जो घाटियाँ हैं वो सारी दिखती हैं, उसके साथ साथ सामने सुरकंडा माता मंदिर है, और शाम के जो सनसेट के नज़ारे रहते हैं वो सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है। तो काफ़ी अच्छा ये रिजॉर्ट है और अच्छी लोकेशन पर बना है। जो रूम खुले हैं उनको दिखाते हैं।
तो लगभग आपको सारे जो रूम हैं वो एक जैसे दिखेंगे, दूसरे रूम में आ चुके हैं। तो यहाँ के रूम कुछ ऐसे हैं, सामने आपको ये सीनरी मिल जाएगी यहाँ पे बैठने के लिए, सामने अलमारी और उसके साथ अटैच्ड टॉयलेट। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर, और यहाँ पे दो स्टाफ हैं हमारे गांव के, उनसे मिलाते हैं। चलो बात करते हैं मेन मुद्दे पे। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ का जो रूम रेंट है वो कितना है, तो वो डिपेंड करता है यहाँ के आप कौन से रूम लेंगे। जो मिनिमम रूम रेंट है यहाँ का वो है लगभग 2,000 से 3,000 रुपये, उससे सारे जो ऊपर के लेना चाहते हो आप तो उतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेंगी। कुछ कैंप टाइप में है और अंदर से कुछ ऐसा व्यू दिखेगा, साथ में दो बेड लगे यहाँ पे, तो जो दो बेड है उनका साइज ज़्यादा होगा, जो सिंगल बेड है वहाँ पर थोड़ा कम है। तो आज गेस्ट आने वाले हैं इसलिए थोड़ा ये हैंडपड़ी में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भी आया था और मैंने सोचा आपको यहाँ के बारे में बताएं। साथ में अगर मौसम साफ रहे तो यहाँ बाहर बैठ के आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। आज बारिश की वजह से थोड़ा पानी भी रुक गया यहाँ पर। और ये यहाँ के मैनेजर साहब, मैनेजर साहब हेलो, कैसे हो? आज बड़े काम धाम में लगे हो आप। चलो करते रहो, अच्छी बात है। आपको ये जो रूम है आपको एकदम जंगल के बीच में दिखेंगे, जिससे आप अपनी फैमिली के साथ लुत्फ ले सकते हो। और यहाँ के रूम, मैं यहाँ खुद पहली बार आ रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट है कि अंदर से कैसे होंगे। तो लगभग ऑलमोस्ट सारे रूम एक जैसे ही हैं। ये सामने बेड, वहाँ पे टेबल और दो चेयर मिल जाएंगे, और साथ में अलमारी और वहाँ पे मिरर, और ये टॉयलेट हर किसी के साथ अंदर ही अटैच है। तो दोस्तों अभी भी आप मौसम देख रहे होंगे, खुलने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा और वैसे का वैसे हो रखा है। मैं सोच रहा था कि अगर मौसम खुलता तो आपको अच्छे नज़ारे दिखाते, लेकिन फिर से कोहरा लग गया सामने, तो कोई बात नहीं। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ का दिखाया, और मैं यही चाहता था कि आप यहाँ के बारे में देखें, और अगर कभी चोपड़ाल गाँव में आते हो तो इस साइड ज़रूर आएँ। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, अच्छी लोकेशन पर है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो सकता था इससे अच्छा मैं आपको दिखा पाता अगर मौसम साफ रहता, तो चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन कभी मौका मिले तो और अच्छे से दिखाएंगे। आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।